साइंस फिक्शन कॉमेडी एंड एक्शन का तगड़ा कॉम्बिनेशन किड वर्सेस कैट अपने टाइम का एक बहुत ही मशहूर एनिमेटेड टीवी सीरीज है। आपने ये शो अपने बचपन में एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा। एंड इफ आई एम करेक्ट देन ये वीडियो आपकी इस शो से जुड़ी सारी धुंधली यादों को ताजा कर देगी। प्लस इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था वो तो हम जानेंगे ही, साथ ही साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर इस शो को मात्र दो ही सीजन्स के बाद डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया, इसका आंसर भी हम अच्छे से जानने वाले हैं। किड वर्सेस कैट द फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड 1 की शुरुआत में इस शो का मेन कैरेक्टर यानी अपना कूप बर्टन बर्गर अपने डैड बर्ट बर्टन बर्गर एंड छोटी बहना मिली बर्टन बर्गर के साथ बॉल वाला कैचम कैच खेलता हुआ दिखता है। और इसी बीच कूप की मुलाकात होती है मिस्टर कैट से, और कूप जैसे उस कैट को देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई शैतान बिल्ला है। पर उसकी बहन मिली को वो कैट पसंद आ जाता है, जिसके बाद उसे वो अपने डैड से घर में रखने का पूछती है, और जब वो मना कर देते हैं तो ये होता है, हमें इसके मालिक को ढूंढना होगा। ठीक है, हम इसके मालिक को ढूंढ नहीं पाए तो हम इसे रख लेंगे। शुक्रिया डैडी। हाँ बिल्कुल, ये मिली मुझे भी शिंजो का ही पुनर्जन्म लगती है। वेल, इन सब के बाद इंट्रोडक्शन होता है बर्टन बर्गर की खतरनाक पड़ोसन ओल्ड लेडी मनसन का। यार इन्हें कोई कैसे भूल सकता है। एंड में कूप के एक बेस्ट फ्रेंड डेनिस एंड इन दो महान फिल्म मेकर्स का भी इंट्रो होता है। वेल, जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है नए कैरेक्टर्स लाइक फियोना जो की सीजन 2 के एपिसोड 1 में फर्स्ट टाइम दिखी थी, एंड एज यू मे नो डेट फियोना एंड Coop has a crush on each other since their first meet. Phoebe, इन मैडम के बारे में क्या ही कहें? She has a huge crush on Coop and enjoys surprising him by sneaking up on him on many occasions and not respecting Coop's personal space or feelings. Mr. Cheek, ये भाई एक कमाल का बोलने वाला हैमस्टर ही नहीं बल्कि कैट का सबसे मस्त दुश्मन भी है। मिला जुला कर मिस्टर कैट एक एलियन है जिसे अर्थ पर इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो अर्थ पर अपना कब्जा जमा सके। पर कूप एंड डेनिस को मिस्टर कैट की इस नियत का अंदाजा लग जाता है, इसीलिए पूरे सीरीज में वो कैट के हर एक चाल को नाकामयाब करने में जुड़े रहते हैं। ओवरऑल दिस शो वॉज फुल ऑफ साइंस फिक्शन स्टफ्स एंड खूब सारी मस्ती। एंड इसको देखते वक्त कई लोगों को टॉम एंड जेरी वाली फीलिंग जरूर आ जाती है। तो आखिर इस धमाकेदार शो की क्रिएशन स्टोरी क्या है, चलो वो भी जान लेते हैं। किड वर्सेस कैट द बैक स्टोरी। ये है हेलिफैक्स जो कि कनाडा में स्थित एक बहुत शानदार जगह है। साल 1971 में इसी जगह जन्म हुआ किड वर्सेस कैट के क्रिएटर रॉब बॉटलियर का, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट बॉटलियर है। अपने स्कूल टाइम में रॉब बॉटलियर अपनी ड्राइंग स्किल्स के लिए बहुत जाने जाते थे, और जाने जाते भी कैसे नहीं, आखिर ये कई कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स को अपने स्कूल के स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स या फिर ईयर बुक्स में पब्लिश जो किया करते थे। एट दी एज ऑफ 25 यानी साल 1997 में इन्होंने कनाडा के वैनक्यूवर फिल्म स्कूल से एक साल का एनिमेशन कोर्स कंप्लीट करके अपना करियर एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया। एक क्विक फैक्ट सुनो, रॉब बॉटलियर की एनिमेशन फील्ड में जाने की कोई आकांक्षा नहीं थी, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑल आई एवर वॉन्टेड टू डू वॉज अ डेली कॉमिक स्ट्रिप, आई गॉट साइड लाइन टू एनिमेशन बिकॉज आई थॉट इट वुड बी गुड डिसिप्लिन, इट ऑल मीन्स उन्हें सिर्फ कॉमिक्स बनाने में ही ज्यादा मजा आता था और इसी में वो अपना करियर बनाना चाहते थे। बट उस समय के इंडस्ट्री डिमांड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एनिमेशन फील्ड में कदम रखने का सोचा और बन गए एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। एंड स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने सबसे पहली जॉब AKA कार्टून नाम के एक एनिमेशन स्टूडियो में की। यहाँ जॉब करते हुए उन्होंने कार्टून नेटवर्क के बहुत पॉपुलर शो एड एंड एडी में स्टोरी बोर्डिंग करने का रोल निभाया। AKA कार्टून कंपनी में 3 साल काम करने के बाद उन्होंने अगले कुछ सालों तक कई अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज में एज अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट काम किया। और इसी दौरान साल 2003 में ही रॉब बॉटलियर ने अपने खुद के एनिमेशन के लिए
कैरेक्टर डिजाइन सोच भी लिए थे। रॉब कहते हैं कि शादी के 8 साल बाद मैंने और मेरी पत्नी ने एक बिना बालों वाली बिल्ली खरीदी और मैं हमेशा लोगों के रिएक्शन से चकित रहता था क्योंकि लोग कहते थे, अरे ये बिल्ली तो एलियन जैसी लगती है। मैं खुद सोचने लगा कि यदि ये बिल्ली सच में एक एलियन होती तो ये पक्का मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश जरूर करती और ये जो जो चीजें करती वो सब इस कैट ने इस किड के साथ किया है। यहाँ एक क्विक फैक्ट सुनो, स्पिंक्स कैट कनाडा में पाए जाने वाले ऐसे कैट होते हैं जिनके स्किन पर फर की कमी होती है, मींस दे हैव यूजुअली हेयरलेस स्किन। एंड इसी ब्रीड की एक कैट को रॉब बॉटिलियर ने पेट के रूप में पाला था जिसके बेस पर अपना एनिमेशन वाला कैट एग्जिस्टेंस में आ पाया। वेल, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये तस्वीर देख रहे हो इसमें स्पिंक्स एंड डिवोन रेक्स ब्रीड के दो कैट्स दिख रहे हैं, ये दोनों रॉब बॉटिलियर के ही कैट हैं। एंड रॉब कहते हैं कि आई हैव टू कैट्स एट माय होम, वन इज अ हेयरलेस स्फिंक्स एंड द अदर इज अ शॉर्ट हेयर्ड ब्रीड कॉल्ड अ डिवोन रेक्स एंड बोथ आर द इंस्पिरेशंस फॉर मिस्टर कैट। साल 2004 में रॉब बॉटिलियर ने स्टूडियो बी प्रोडक्शंस में एक स्टोरी बोर्ड सुपरवाइजर के रूप में जॉब करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने क्लास ऑफ द टाइटंस एंड रिस्की स्पोर रॉकेट जैसे शोज के लिए काम किया एंड उन्होंने स्टूडियो बी में काम करते करते ही अपनी खुद की कैट वाली एनिमेशन स्टोरी अपने कलीग्स एंड स्टूडियो बी के ओनर तक के साथ शेयर की। एंड गेस व्हाट, सबको स्टोरी काफी पसंद आई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडियो को कितना पसंद आया, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि वो स्टोरी किसी किड्स चैनल को कितना पसंद आएगी। और वो जानने के लिए पहले रॉब बॉटिलियर को किसी किड्स चैनल के द्वारा अटेंशन मिलनी जरूरी थी और उस अटेंशन के लिए रॉब बॉटिलियर ने सहारा लिया मिपकॉन जूनियर इवेंट का। अब ये मिपकॉन जूनियर भला क्या है, यही ना? तो सुनो, मिपकॉन टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए समर्पित किया गया एक ऐसा एनुअल इवेंट है जिसमें प्रोडक्शन स्टूडियोज एंड ब्रॉडकास्टर्स जाते हैं। इनके लिए ये इवेंट एक मार्केट प्लेस के जैसा काम करता है जहां वो किसी न्यू टीवी प्रोग्राम्स को खरीद या बेच सकते हैं। आमतौर पर ये इवेंट साल के अक्टूबर महीने में फ्रांस के केन्स में आयोजित किया जाता है एंड मिपकॉम का एक स्पिन ऑफ इवेंट है मिप जूनियर, जहां सिर्फ चिल्ड्रंस के टीवी प्रोग्राम्स को बाय और सेल किया जाता है। ये जो क्लिप आपको दिख रहा है ये किड वर्सेस कैट का पायलट एपिसोड है जिसे रॉब बॉटिलियर ने साल 2006 में ही बनाकर रेडी कर लिया था। अब ये आज के किड वर्सेस कैट जैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना? अरे भाई, दिखेगा भी कैसे, क्योंकि ये किड वर्सेस कैट है ही नहीं, बल्कि ये है द वेरी इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ रॉब बॉटिलियर्स एनिमेशन शो। एंड उन्होंने इस शो का सबसे पहला नाम लुक व्हाट माय सिस्टर ड्रैग्ड इन रखा था, जिसमें कैरेक्टर डिजाइन एंड कलरिंग्स आज वाले कैरेक्टर से काफी अलग थे, जैसा कि आपको मिली के कपड़े एंड स्पेक्स और कूप के क्लोज को देखकर पता चल ही रहा होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टूडियो बी प्रोडक्शंस की हेल्प से इस 3 मिनट के पायलट एपिसोड को बनाकर रॉब बॉटिलियर ने 2006 के मिप जूनियर इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जहां पर उनके पायलट एपिसोड को प्रीमियर किया गया एंड इसे काफी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने पसंद भी किया। बस यहीं से असली मजा आना शुरू हुआ। मिप जूनियर के इस इवेंट में वाई टीवी चैनल ने स्टूडियो बी प्रोडक्शंस के साथ एक डील साइन कर लिया जिसके अंतर्गत उन्होंने लुक व्हाट माय सिस्टर ड्रैग्ड इन का फुल एनिमेटेड टीवी सीरीज बनवा दिया। अब ये डील स्टूडियो बी प्रोडक्शंस एंड वाई टीवी के बीच ही क्यों हुई, ये सोचा आपने? अरे हम बता देते हैं आपको, ऐसा इसीलिए हुआ काहे कि मिप जूनियर का इवेंट प्रोडक्शन कंपनीज एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के लिए एक मार्केट प्लेस का काम करता है, ना कि क्रिएटर एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के लिए। एंड आफ्टर दिस इंटरनल डील फरवरी 2007 में ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया कि स्टूडियो बी प्रोडक्शंस ने वाई टीवी के साथ लुक व्हाट माय सिस्टर ड्रैग्ड इन नाम के एक शो के लिए डेवलपमेंटल डील साइन किया है। एंड इस अनाउंसमेंट के लगभग 1 साल बाद जनवरी 2008 में स्टूडियो बी प्रोडक्शंस की टीम ने लुक व्हाट माय सिस्टर ड्रैग्ड इन के सीरीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। एंड एक क्विक फैक्ट, इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही इस सीरीज का नाम लुक व्हाट माय सिस्टर ड्रैग्ड इन से बदलकर किड वर्सेस कैट रख दिया गया, जिस नाम से आज पूरी
पूरी दुनिया इसे जानती है। वैसे इसके प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के एक महीने बाद ही स्टूडियो बी प्रोडक्शंस को DHX मीडिया ने खरीद लिया। और जैसा कि मैंने आपको स्लग टेरा वाले वीडियो में बताया था कि DHX मीडिया ने बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनीज को खरीद कर अपना नाम DHX से बदलकर वाइल्ड ब्रेन रख लिया था। एंड आज के समय में वाइल्ड ब्रेन किड्स एंड एनिमेशन इंडस्ट्री का बादशाह है, क्योंकि पहले किड वर्सेस कैट के राइट्स स्टूडियो बी प्रोडक्शन के पास थे, इसीलिए इसके बिकने के बाद इसके राइट्स DHX के पास आ गए। एंड अल्टीमेटली DHX ने अपना नाम बदल लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि किड वर्सेस कैट के राइट्स अब वाइल्ड ब्रेन के पास हैं। अप्रैल 2008, जब DHX कंपनी का नाम वाइल्ड ब्रेन नहीं था, तभी DHX ने कैनेडियन चैनल YTV के साथ साथ किड वर्सेस कैट को यूरोप कंट्रीज में टून डिज्नी चैनल पर ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स डीकोड एंटरप्राइजेस नाम के ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को सेल कर दिए थे। एक क्विक फैक्ट, बाद में ये कंपनी भी DHX ने खरीद लिया था। एंड फाइनली 25 अक्टूबर 2008 को किड वर्सेस कैट ओरिजिनली सबसे पहले YTV पर ब्रॉडकास्ट किया गया। एंड फरवरी 2009 में टून डिज्नी पर USA में फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया गया। और सच कहूं तो उन दिनों USA में टून डिज्नी पर एक जेटिक्स ब्लॉक चलाया जाता था, एंड इसी जेटिक्स ब्लॉक में किड वर्सेस कैट को एयर किया जाता था। ब्लॉक का मतलब टून डिज्नी चैनल कुछ समय के लिए जेटिक्स चैनल बन जाया करता था, और जेटिक्स वाले उस कुछ समय में अपने शोज दिखाया करते थे। और जब बाद में टून डिज्नी चैनल को रीब्रांड करके Disney XD बना दिया गया, तब से Disney XD पर ही किड वर्सेस कैट को एयर किया जाता था। किड वर्सेस कैट के फर्स्ट सीजन कंप्लीट होने के बाद DHX ने ये अनाउंस किया दैट द सीरीज हैड बीन रिन्यूड फॉर अ सेकंड सीजन। और करते भी कैसे नहीं, क्योंकि एक ही साल में किड वर्सेस कैट कनाडा के साथ साथ कई इंटरनेशनल कंट्रीज में बहुत सक्सेसफुल रहा। वेल, सेकंड सीजन का प्रीमियर 11 सितंबर 2010 को किया गया, एंड 4 जून 2011 को इसका लास्ट एपिसोड एयर किया गया। इसके लास्ट एपिसोड में क्या होता है, प्लस इसके डिसकंटिन्यूएशन का रीजन, मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। बट उससे पहले ये जान लो कि इसका फर्स्ट सीजन तो स्टूडियो बी प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था, बट इसके सेकंड सीजन को Disney XD ने अपने इन हाउस स्टूडियो में प्रोड्यूस किया था। इसीलिए इंटरनेशनली किड वर्सेस कैट को हर कंट्री में Disney XD चैनल पर ही दिखाया जाता था, इंक्लूडिंग अपना भारत एंड कुछ पड़ोसी देश। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, किड वर्सेस कैट के मेन सीरीज के पैरेलल में ही किड वर्सेस कैट डिजिटल शॉर्ट्स के 2 सीजन्स बनाए गए थे। ये शॉर्ट्स 2.5 मिनट के होते थे और बहुत फनी होते थे, क्योंकि इंडियन टीवी पर ये शॉर्ट्स टेलीकास्ट नहीं हुए थे, इसीलिए आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा। बट मजे की बात यह है कि आप इन शॉर्ट्स को आज भी YouTube पर ही देख सकते हो। किड वर्सेस कैट द लास्ट एपिसोड। हर एपिसोड की तरह ही इसका लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 26 11 मिनट के 2 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। पहला सेगमेंट है द कैट वेंट बैक पार्ट 1 एंड 2। एपिसोड की शुरुआत में कूप और डेनिस कैट से लड़ रहे होते हैं। मिस्टर कैट एक टेलीपोर्टेशन होल ओपन कर देता है ताकि उसके प्लैनेट के लोग, मतलब बिल्लियों की सेना, अर्थ पर आके हमला कर सके। बट किसी तरह कूप एंड उसके फ्रेंड्स एक बार फिर कैट का कार्ड प्लान नाकाम कर देते हैं। और इधर कैट का बॉस उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की धमकी देता है, और कैट बेचारा निराश होके अपने घर को निकल ही रहा होता है कि प्लैनेट नेबुला से अर्थ पर इन मोटे भाई को भेजा जाता है मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए। एंड इसी बीच सिर्फ कैट की जगह कूप एंड उसके फ्रेंड्स को भी बंदी बनाकर कैट के प्लैनेट पर ले जाया जाता है। एंड यहाँ इन सबको पता चल जाता है कि मिस्टर कैट तो एक एलियन है। और सबसे शॉकिंग बात जो हमें जानने को मिलता है वो है डॉक्टर के यानी मिस्टर कैट की लव इंटरेस्ट ने इंसानी भाषा सीख रखी है, एंड वो अर्थ पर अपने कब्जे करने वाले प्लान को कूप एंड उसके फ्रेंड्स को बता देती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कूप एंड उसके फ्रेंड्स कैट के प्लैनेट से किसी तरह बच निकलते हैं, एंड मिस्टर कैट को दोबारा अर्थ पर कब्जा करने के लिए एक सेकंड चांस दिया जाता है, जिसके बाद मिस्टर कैट अर्थ पर वापस आके कूप के फ्रेंड्स की प्लैनेट नेबुला एंड उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी वाली सारी मेमोरीज मिटा देता है, बस डेनिस एंड कूप की मेमोरीज को छोड़कर। एंड घुमा फिरा के शो के अंत में शुरुआत जैसे ही सिचुएशन हो जाती है। वेल, साल 2017 में अपने बर्थडे के दिन यानी 26 अगस्त को किड वर्सेस कैट के 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए रॉब बॉटिलियन ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि एट द एंड कूप एंड मिस्टर कैट अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। किड वर्सेस कैट इन इंडिया। इंडिया में ये शो कनाडा में ओरिजिनल रिलीज के 1 साल बाद ही आ गया था, जिसे ऑफ कोर्स Disney XD चैनल पर एयर किया जाता था। और
और इंडिया में इसके रीरन्स कई सालों तक ब्रॉडकास्ट किए गए थे। एग्जैक्ट तो नहीं पता बट आई थिंक 5 से 6 साल तो आराम से ब्रॉडकास्ट किया ही गया होगा, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो यही सोचता था कि यार डिज्नी चैनल तो डोरेमोन के लिए बना है, कार्टून नेटवर्क बेंटेन के लिए, हंगामा शिनचैन के लिए और डिज्नी XD किक बटोस्की एंड किड वर्सेस कैट के लिए। वेल, यदि आपको इस शो के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानना हो तो आप मेरे वेबसाइट www.animationvibes.com पर जाकर जान सकते हो। Why Kid vs. Cat was discontinued? किड वर्सेस कैट की कैंसलेशन के 2 महीने बाद यानी 19 अगस्त 2011 को रॉब बॉटिलियर ने फैंस को ये क्लियर किया कि इसका अब कोई सीजन 3 नहीं आएगा, क्योंकि शो को वाइल्ड ब्रेन ने डिज्नी XD के कहने पर कैंसिल कर दिया है। रॉब कहते हैं कि हे देयर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, मुझे लेटली ये रियलाइज हुआ कि आप में से कुछ लोग किड वर्सेस कैट के 3rd सीजन का वेट कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसका कोई 3rd सीजन बनेगा। बनाने और ना बनाने का डिसीजन सिर्फ YTV या डिज्नी XD के हाथों में ही है। कैट वेंट बैक वाला एपिसोड ही सीरीज फिनाले है एंड मैं इस एंडिंग से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट हम ऐसे सिचुएशन के लिए पहले से तैयार थे, बट आप में से कई लोगों को इसके लास्ट एपिसोड को लेकर हमारे लिए गए डिसीजंस पसंद नहीं आए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर दूं। वेल, आगे आप ये पूरा मैसेज खुद भी पढ़ सकते हो। इस मैसेज के एंड में रॉब बॉटिलियर कहते हैं कि माय थैंक्स टू एवरीवन हु सपोर्टेड किड वर्सेस कैट, वी आर नॉमिनेटेड फॉर 3 जेमिनी अवार्ड्स दिस मंथ। अल्टीमेटली डिज्नी XD ने ऑफिशियली कोई रीजन नहीं दिया शो को बंद करने का, बस इतना जरूर है कि उसमें रॉब बॉटिलियर कुछ नहीं कर सकते थे। एंड आजकल आप इस शो को टीवी पर तो नहीं देख सकते बट वाइल्ड ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर जरूर देख सकते हो, तो यदि आपने नहीं देखा तो यार जरूर देख लेना। द लर्निंग्स, किड वर्सेस कैट के क्रिएटर के बारे में इतनी रिसर्च करने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि रॉब बॉटिलिया बहुत मस्त इंसान है, हमेशा चिल मूड में रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को हंसाते हैं और खुद भी मस्त हंसते रहते हैं। आजकल वो एप्पल टीवी प्लस के एक सीरीज द स्नूपी शो पर काम कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आज उनकी एज 50 साल हो चुकी है। एंड हियर आर 2 टेकअवेज फॉर यू फ्रॉम हिज स्टोरी। नंबर 1, द लाइफ पाथ इज अनडिफाइंड एंड अनफोर्सीन। रॉब बॉटिलियर को सिर्फ कार्टून स्ट्रिप्स बनाने में दिलचस्पी थी, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट तो वो बस सिचुएशन के हिसाब से बन गए, और देखो आगे चलकर उन्होंने अपना खुद का एक शो निकाल दिया। ये चीज तो उन्होंने खुद भी नहीं सोची होगी कि यार मैं एक स्टोरी बनाकर एक इंटरनेशनल हिट किड्स शो निकाल दूंगा। इसीलिए आप भी एक टारगेट तो सेट करो, बट यदि कहीं भी कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिले ना तो उसे मिस मत करो, हर एक चीज को एक्सप्लोर करो, क्योंकि क्या पता आप भी एक ऐसे पाथ पर पहुंच कर सक्सेसफुल इंसान बन जाओ जिस पाथ पर जाने के बारे में आपने सोचा तक ना हो। नंबर 2, इट्स जस्ट अराउंड यू। रॉब बॉटिलियर ने अपने कैट के ऊपर ही पूरी स्टोरी सोची और एक इतना सक्सेसफुल शो बना डाला। हाँ, यदि आप भी खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हो ना तो कर सकते हो यार, बस अपने आसपास नजर दौड़ाओ, क्या पता एक पेन के ऊपर ही आप पूरी स्टोरी सोच के रॉब बॉटिलियर जैसा एक धमाका शो बना दो। प्लस यदि आप एनिमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूज को देखना पसंद करते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID animation_vibes को फॉलो कर सकते हो, जहां मैं रेगुलर बेसिस पर इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव रील्स अपलोड करता हूँ जो सिर्फ एनिमेशन रिलेटेड टॉपिक्स पर ही होते हैं। एंड फाइनली, ये स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिख रही है वो आपके चाइल्डहुड शोज की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से भरी पड़ी है, जिसे खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो थोड़ा टाइम निकालो और अपने फेवरेट कार्टून्स की सारी वीडियोस देख डालो।